बढ़िया जी। ये देख रहे जी, अच्छा और बढ़िया जी। बाजी बस भाई। अच्छा सामने जो ये भाइयों देखो, मुर्रा भैंस है, 20 लीटर है जी, 20 लीटर दे रहा है। अब तो बाकड़ी हो रही है। अच्छा अच्छा कितने पर की भी आई भाई? यो चौथे भी आई। अच्छा कितने की लाए थे प्रधान जी? मैं जब 153 की लाया था भाई। 153 की कहाँ से जी? हिसार से। हिसार से जी। और ये जो सस्ता रहा जी, तो ये प्रधान जी आपके लेके आए थे भैंसा जी? कटड़ा घर का भी है। अच्छा घर का ही है जी? घर के ही रखे हैं हम। अच्छा चार दांत है कितना जी? चार दांत अब हुआ भैया, चार दांत अब हुआ जी। तो रेस वेस पे लगा रखा ठीक ठाक? बहुत बढ़िया चला। अच्छा अच्छा जी जी। हाथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच पे, फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं पहुंचा हूं सिखेड़ा गांव में रविंदर प्रधान जी के यहां पे। तो भाइयों हमारे प्रधान जी जो है मवाना क्षेत्र के भाइयों सबसे पहले किसान हैं, जिन्हें भाइयों सबसे पहले तो पशुओं का शौक, उससे अलग भाइयों कृषि यंत्रों का भी इन्हें ज़बरदस्त शौक है। तो आज की वीडियो में भाइयों इनका शानदार पशुधन दिखाऊंगे। ये सामने देख लो प्रधान जी का घर है। और भाइयों प्रधान जी का जो है बैलों का शौक बहुत पुराना है काफ़ी, और उसी के द्वारा अपनी सारी खेती कर रहे हैं। तो बैलों की जोट भी दिखाऊंगे। शानदार भैंसा है प्रधान जी के पास में, जो कि भाइयों मवाना क्षेत्र के नंबर वन किसान माने जाते हैं शौक के हिसाब से। तो भाइयों आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं प्रधान जी से मिलवाऊंगा आपको। तो मैंने यहाँ से एंट्री करी अभी, और ये देखो भाइयों सामने जो है ये प्रधान जी का मकान हो गया। तो आज की वीडियो में प्रॉपर सारे कृषि यंत्र, इनके पशुधन सब कुछ दिखाया जाएगा। तो भाइयों सबसे पहले मैं एक बार प्रधान जी से मिलवा दूँ एक बार आपको, उससे बाद में दिखाते हैं आपको इनका पशुधन सब कुछ। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल है प्रधान जी के? और बढ़िया बारिश होगी जी, सस्ता रे। अच्छा अच्छा, तो भाइयों सामने प्रधान जी बैठे। प्रधान जी थोड़ा सा आप अपना किसान भाइयों को परिचय करा दो जी। भाई मेरा नाम रविंदर जी जी, पूर्व प्रधान जी। नाम रविंदर जी जी, पूर्व प्रधान सिखेड़ा तहसील मवाना जिला मेरठ जी जी जी। अच्छा ये पापा जी हो गए आपके जी। आपका नाम जी? अच्छा अच्छा, कितनी एज हो रही जी, उम्र कितनी हो रही? अच्छा 68 साल के लगभग। ये प्रधान जी के छोटे भाई हो गए। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है जी? जितेंद्र कुमार। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया जी। तो प्रधान जी मवाना क्षेत्र में तो बैलों के मतलब बहुत बढ़िया तरीके से शौक से आप रख रहे। हाँ ठीक है जी, जो मुझे फनागर प्रदर्शनी में भी ले गए बैल, बहुत सुंदर जोड़ जी, उसी के द्वारा अपनी खेती कर रही जी। हाँ बैलों की जहाँ जरूरत, बैलों की जहाँ ट्रैक्टर की वहाँ ट्रैक्टर। हाँ जी, मतलब एक चीज देखी मैंने, पहले किसान आप देखे जी, मतलब किसी किसान को ट्रैक्टर का शौक है उसने पशु बेच दी जी, है ना जी? हाँ, ऐसा है, किसी को गाड़ी का शौक है। हाँ जी, हाँ जी। आपके यहाँ आ गए ऐसा लगा, मतलब हर चीज, कोई चीज आपसे नहीं बच रही जिसका शौक आप नहीं कर रहे, परमात्मा का हुआ जी। हाँ जी, तो गन्ने की खेती आप 28 से 30 इंची पर कर रहे जी? 30 पे जी, बैलों के द्वारा प्रॉपर जी। अच्छा अच्छा, तो भाइयों आज मैं प्रधान जी के शौक दिखाऊंगा, फिरक तांगा ट्रैक्टर एंटीक है इनके पास में। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, प्रधान जी से मैंने बाकी मिलवाई दिया आपको। तो हम अपने मवाना क्षेत्र के मतलब एक प्रसिद्ध शौक के मामले में नाम है हमारे प्रधान जी का। तो ये देख लो भाइयों, हुक्का भी देख लो प्रधान जी का, शानदार हुक्का है रखा है यहाँ पर। तो प्रधान जी इसमें भी चमक मार रही जी, कहाँ ये मतलब कहाँ से लाए थे बनवा के? ये सापुर बसी का। अच्छा सापुर बसी का जी। हाँ मतलब फेमस है जी वहाँ के लोग, है ना जी। अच्छा लगभग कितने रुपए का आ जा जी इसको? यो 14,000 कितने का बना भाई? 13,800 का। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई हुक्का। तो भाइयों सबसे पहले मैं जो साहब के पास में जो ट्रैक्टर है हमारे प्रधान जी के, उन्हें दिखाऊंगा एक बार। आ जाओ प्रधान जी। भाइयों इनके पास में हो गया ये ट्रैक्टर, हो गया मैशी फर्दूसन 245 DI 46 HP की कैटेगरी का, ये पेनल्टी प्लस। ये कौन सा मॉडल है प्रधान जी? 2023 है। 2023? अच्छा अच्छा, तो 2023 इससे पहले भी दूसरा ट्रैक्टर था जी? अच्छा पीछे फोड़ था जी। तो जैसे पेनल्टी प्लस में आया 46 HP की, 46 में जी, कैसा कर रहा जी काम? बहुत बढ़िया चल रहा। कितने घंटे चला दिए जी? यूज चलगा 300 घंटे। 300 घंटे जी। क्या क्या काम कर रहे प्रधान जी से? बस इससे आलू की खुदाई करी थी, क्यों बाद में आया था गन्ने तो फोड़ से गिरे। अच्छा गन्ने फोड़ से गिरे। और जुताई का काम है? अच्छा जुताई का काम है, जुताई फोड़ से नहीं कर रहे जी जी।
तो भाइयों देख लो, प्रधान जी ने बम्फर वगैरह लगवा के बिल्कुल फिट कर रखा काम। बम्फर का मुआने बनवाया था जी? लगवाया भाई बढ़ला। बढ़ला में? हाँ। अच्छा अच्छा बढ़ला। ये देख लो भाइयों, यहाँ से नंबर मिल जाएगा किसी किसान भाई को लगवाना हो। वहाँ पे काफी मॉडिफाई कर रहे हो, छतरी वतरी सब कुछ लगा रहे। तो प्रधान जी ये कितने का आ गया था जी? यू भाई की हम 7.5 लाख में मेरा। 7.5 लाख में? ये देख लो भाइयों, पावर स्टेयरिंग के साथ में है और अगला एक्सल जो है इसमें नॉन एडजस्टेबल है। तो 5 गियरों में जी? जी 5 में। 5 में जी। तो भाइयों एक बार आवाज और सुना दो इसकी, फिर स्टार्ट करो। तो भाइयों ये देखो 40 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर है और आवाज भी देख लो गजब की है जी। बस जी बंद बंद कर दो जी। तो 23 मॉडल हो गए जी? अच्छा अच्छा। तो भाइयों आज प्रधान जी के शौक दिखाऊंगा आपको। कुछ किसानों ने क्या करा, ट्रैक्टर रख लिए तो अपने जो है बैल वैल सब कुछ खत्म कर लिए झट्टे वगैरह। ये भाइयों इनके पास में एंटिक हो गया फोर्ड 3600। कंडीशन देखो भाइयों, साफ सफाई देखो। अपने जो है सभी कृषि यंत्र बहुत साफ सफाई से मिलेंगे, चाहे पशु हो चाहे कृषि यंत्र हो इनके पास में। तो प्रधान जी ये कौन सा मॉडल आज? 95 मॉडल। ये नया लिया था जी? ना, यो सेकंड हैंड लिया था। सेकंड हैंड लिया जब था हमने पहले महिंद्रा 200 लिया था जी जी। तो ये फिर 95 में बंद हो गए थे। अच्छा अच्छा। फिर यो 2009 में लिया था। अच्छा, जैसे फोर्ड चला के देखा जी, मतलब फोर्ड का भी अलग ही है जी अपना। आज भी जो नए ट्रैक्टर पर बैठ के भी इस पर जब बैठे हैं, हाँ जी, ऐसा नहीं महसूस होता कि भाई पुराने ट्रैक्टर पे। हाँ हाँ, हमने जो इसमें पैसे से लगा के, हाँ मतलब जो भी जरूरत है भाई पुराने ट्रैक्टर में देखो जी जी जी, सब देख से ज्यादा रखनी पड़े, बिल्कुल फिट कर लिया। हाँ, बिल्कुल फिट है। अच्छा आप बिल्कुल ओके, इसमें पेंट वेंट कुछ नहीं ओरिजिनल है? ना ना, इससे ऊपर मैंने हल्की टचिंग मिल भाई, जो पीली पीली ही निकली, बेकना हमें है नहीं। अच्छा अच्छा, बेकना तो ज्यादा खराब हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। तो ऊपर और सारा ओरिजिनल ही है, इंजन सब ओरिजिनल, सब साथ का ही है। तो इससे गन्ने डाला करो जी? गन्ने हाँ, जुदाई भी कर लेंगे जो ज्यादा काम जी जी। तो भाई देखो इसमें मरगाड़ भी लगे, एक बार आवाज और सुना दो पता नहीं। ये देखो भाई, भाइयों कितनी बढ़िया साफ सफाई, जब फुड़की मार रहा है आज भी है, ये है भाइयों सिलो फुड़की। तो प्रधान जी बेचने का कोई बंद? हाँ, ये तो अपने शौक में रख रखा। नहीं शौक में क्या, जो इससे ही कर रहे थे हम तो काम, ये वो काम जो जोड़ दिया। अच्छा अच्छा, दूसरा भी लेना जी जी। तो प्रधान जी कितने बीघे में लगभग खेती कर रहे आप? भाई हमारे पे 23 बीघे पक्की। हाँ जी। तो इसे भाई जो 5 पीस से कराया मैं तो 100 के द्वारा पहुंच जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल कम रह जा फिर जो लगभग, ऐसा मान लो 80 के करीब। 80 के करीब। हाँ, कुछ भाई जो 25 एक बीघे ठेके के 100-100 ऊपर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो देखो भाइयों ट्रैक्टर के साथ में हमारे जो प्रधान जी ने आज तक बैलों की जोड़ रख रखी वो भी दिखाऊंगे, और बहुत सुंदर जो है पशुधन है इनके पास में वो भी दिखाऊंगे। तो सबसे पहले कृषि यंत्र दिखाते हैं बाकी के। ये सामने जो जेवड़े वेवड़े टांग रखे जी, जी जी जी, ये पगे वगे बैलों के ही है? बैलों के ही। अच्छा बैलों के ही। ये देख लो भाइयों, सामने इधर भी मिलेगा आपको। ये पशुओं के लिए रख रखा देख लो, कैल्शियम वगैरह नाड़ वगैरह रखी। ये भी वही है? ये भी बैलों के ही। बैलों के ही है जी, बिल्कुल। तो भाइयों यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। ये सामने हो गया इनका सादा मंजा। प्रधान जी ये हंसवाड़ों का लग रहा जी? तो भाइयों कृषि यंत्र जो मिलेंगे सारे जो है इनके पास में हंस के मिलेंगे ज्यादातर। और प्रधान जी जो है हमारे कृषि यंत्र जो है 2-3 साल चला के अभी हैरो दी, तो ज्यादा दिन नहीं चलाते जी, बस जो हाँ, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये भाइयों शक्तिमान का रोटावेटर हो गया 7 फुटा, ये भंडे पड़े हैं जो, हाँ बिल्कुल घाट में चल रहे हैं, घाट में चल रहे। और भाइयों ये हो गया इनका टीलर हंस का, हंस का। तो प्रधान जी टीलर हंस का ही पसंद है जी? जी हाँ, इंग्लिश तो आते नहीं और इनसे अच्छा फिर है भी नहीं, और कोई हाँ, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, ढाल भी चला है कुछ। हाँ हाँ, ये भाइयों डॉलर हो गया इनका। और भाइयों ये हो गया इनका, ये कैसा टैंक ला रखा जी? ये टैंक इसमें गायों का पेशाब और इकट्ठा करके, अच्छा अच्छा, जीवामृत बनाने के लिए। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया जी। और भाइयों ये धान बरसाने के लिए जी, तो धान भी बोकरो जी? जी। अच्छा अच्छा, धान ये देख लो भाइयों। और ये हो गया इनने का MP प्लाऊ। ये कहाँ से लिया था जी? ये सोसाइटी में आए थे। अच्छा, जगन्नाथ समिति में। ठीक। और भाइयों
ये इनका घोड़े की खोर रहा है, घोड़ी की खोर, घोड़ी की। हाँ, ये रखने बंद कर दिया? घोड़ी दे दी थी जो 2-3 साल हो गए। अच्छा अच्छा, समय नहीं मिल पाता। हाँ, समय नहीं मिल पाता, कहते थे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों, मैं एक चीज दिखाना चाह रहा है, देखो हड़बड़ जो है प्रधान जी ने शादी विधि से गन्ने खेती कर रही है, जुए देखो इनके, और ये धो पूछ के अपना खड़े कर दीजिए, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये भाइयों इनकी आलू खुदाई वाली मशीन होगी, ये न्यू सुपर वाड़ो की है, ठीक है जी। और भाइयों यहाँ पर अपना टांगा हो गया जो साफ कर, ये देख लो, बैलों का टांगा और गढ़ गंगा जी का शौक है प्रधान जी को बहुत कैडे वाला। तो प्रधान जी गढ़ भी जा करो जी, बैलो से जा। अच्छा अच्छा बिल्कुल। तो यो कब का आ जाए आपके पास में, कितना पुराना होगा जी? समय हो गया होगा भाई जी, बहुत समय हो गया होगा ना। हाँ। इनमें तो वही रहा ना जी, पुस जी, बस गंगा जी के टाइम पे ही गिरी सीरीज होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक। तो ये देखो भाइयों, ये हो गया इनका सुपर सीडर, जीरो टाइप सीडर। अच्छा अच्छा बिल्कुल, गेहूँ बोने वाली मशीन। हाँ जी, गेहूँ बोने वाली मशीन होगी भाइयों ये। और ये इन्होंने जो है भाइयों देखो, फिरक में भी एक बम लगवा के ये भी जुआ तैयार कर रखा बैल बैल घुमाने के लिए। और ये जुआ सबके अलग अलग कर रखे जी हैं, यो 30 इंच का है। यो 30 इंच के लिए जुआ बड़ा करवाया जी, यो पहला जो उसका था जो 28 इंच वाला, ये 28 इंच वाले के लिए, ठीक ठीक। और भाइयों ये देखो, ये पालना बोला जाता है ट्रैक्टर के पीछे जोड़ने वाला, ये बहुत काम की चीज़ है किसानों के लिए। ये पालना हो गया इनके पास में, और ये हो गया प्रधान जी के पास में स्प्रे टैंक। ये कहाँ बनवाया था जी? ये भैया हरियाणा बनवाया था, फतेहाबाद, जब यहाँ नहीं बने थे अपने यहाँ। अच्छा अच्छा, काफी पुराना, मतलब 10-11 साल हो गए। 10-11 साल पुराना। कितने में बन गया था जी? जब आया था 29,000 का। 29,000 का जी। और भाइयों ये देखो, हंस का इनके पास में लेजर है, और लेजर भी प्रधान जी ने वो वाला ले रखा कि फर्टिलाइजर जो है अपना खाद तो DAP वगैरह सब कुछ इसमें साथ के साथ गिरती भाई चला है, ठीक है जी। उससे पीछे भाइयों देखो, आलू बुआई वाली मशीन होगी इनकी। तो प्रधान जी आलू की भी खेती करो? अच्छा अच्छा ठीक। तो भाइयों देखो, फसल चक्र लेते रहे हमारे प्रधान जी, गन्ने के साथ में आलू धान सब कुछ। पीछे देखो जनरेटर खड़ा, ये कितने के वी का जी? ये 25 किलोवाट। हाँ जी, तो एक बार इधर ही आ जाओ जी। भाइयों प्रधान जी के पास में देखो मारुति 800 आज तक है। तो ये कौन सा मॉडल है प्रधान जी? ये 2005 है। अच्छा अच्छा, तो ये ली थी जी कर? ये शादी में आई थी छोटे भाई की। अच्छा, शादी में आई थी। तो रख रखी जी अपना जी, बिल्कुल। तो देखने के नहीं अपना ना चलू आज भी? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा, मतलब 800 तो अपना। अच्छा जी, जैन इंजन पिंजन कोई नहीं हो जाए इसका जो। कितने किलोमीटर चल गई? 80 चल गई। 80-85। तो अपना सेल्फ मारते स्टार्ट है एकदम जैसो भगाओ। जी जी जी। तो भाइयों देख लो जी, अपनी एंटिक चीज इन्होंने 800 भी रख रखी, 800। और ये होगी प्रधान जी के पास में ट्रॉली। ये कहाँ की प्रधान जी? लाडवा की। लाडवा की, मतलब हैवी ट्रॉली बन रही जी। देख लो जी, गन्ने डालने में तो काम नहीं करती ना, दूसरी बनवा रखी थी। अच्छा अच्छा, तो क्या साइज है जी ट्रॉली का? इसका 13-4 लंबाई है। अच्छा जी, और 7-1 चौड़ाई है। 7-1 चौड़ाई है, बहुत हैवी उसमें बना रखी है। हाँ जी, ये देख लो भाइयों, ये इनकी इधर ट्रॉली होगी। और भाइयों ये प्रधान जी के पास में होगी बुलेरो। ये कौन सा मॉडल है प्रधान जी? ये 2021 मॉडल जी। तो प्रधान जी जैसा बुलेरो चला रहे जी, कुछ लोग जो है स्कॉर्पियो भी ले रहे, मतलब गाड़ी वही पसंद है ज्यादा? बस ठीक है जी, गांव के हिसाब से ठीक है। हाँ, गांव के हिसाब से मजबूत है। बिल्कुल बढ़िया गाड़ी है जो। हाँ जी, क्या एवरेज देता है जी लगभग? 13-14-15 तक। हाँ बिल्कुल, इतना ही है। और गाड़ी डोमा कैसी कुदाते फिर जो? मेंटेनेंस बहुत कम है गाड़ी है, जो किसान के उसकी अपना जो पीछे खाद लाना तो खाद के कट्टे भरना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मजबूत है। तो भाइयों किसानों गाड़ी जैसा प्रधान जी बता रहे, देखो ये बुलेरो होगी इनके पास में। और प्रधान जी के पास में एंटिक बुलेट है जो इन्होंने अभी मॉडिफाई करवाई। तो ये कौन सा मॉडल है प्रधान जी? ये 97 है जी, 97 मॉडल। ये देख लो भाइयों, निकिल पे अब तक भी अभी इसके ये टंकियों की मरगाड़ ये सब ओरिजिनल है भैया। अच्छा, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। अच्छा अच्छा, मरगाड़ भी ओरिजिनल है, ठीक है जी। बस ये अलाइनमेंट डलवाए हैं। अच्छा, और यहाँ बस इंजन पे निकल करवाया। अच्छा, इसे एक बार स्टार्ट करके दिखाओ जिसकी आवाज देखेंगे। बाहर को लेते हैं। हाँ बाहर को ले लेते। तो भाइयों देखो, 97 मॉडल बुलेट है इनके पास में, और प्रधान जी ने बड़े शौक से रख रखी। एक बार स्टार्ट करवा के दिखवाऊंगा थोड़ी सी। ये देख लो सिद्धू मूसेवाला का वो लग रहा। अच्छा, ये मरगाड़ वरगाड़ सब कुछ ओरिजिनल है। अच्छा, इसमें उल्टी तरफ आक रहती है उल्टी तरफ ब्रेक।
इसमें क्या हिसाब था जी चौक का? यू सुई मिलानी पड़े। अच्छा सुई मिलानी पड़े। अच्छा हाँ बैक बहुत तकड़ा मारा है। खड़ी भी पहले कर ली स्टार्ट। हाँ ये देख लो भाई आवाज सुन लो जी, बुलेट से पहली थी जी कदम है, अब तो बहुत हल्की करती। बस जी कर दो बंद, कोई बात नहीं। और भाइयों ये देखो प्रधान जी के पास में एक फिरक होगी है मवाना ब्रांड की, तो ये कौन से मिस्त्री की जी? बसीर की जी, मवाना में बसीर की बढ़िया आ जी है। हाँ, बढ़िया। और दूसरा मिस्त्री भी तो कई हो वैसे तो कई बुलाकी भी है। अच्छा हाँ, बसीर की अच्छी है। पर बसीर की का अच्छा जी। अच्छा इसमें प्रधान जी उसका हिसाब रहेगा कंटा जो बता कर? बिल्कुल जो फर्स्ट क्लास है। हाँ हाँ फिरक में भाइयों देख लो कितनी सुंदर प्रधान जी की फिरक होगी। अच्छा अच्छा हाँ यही बैलेंस देखा जाता था क्या? मुझे बहुत बढ़िया बिल्कुल सारी चीजें अच्छे में लगवा रखी, टायर भी एमआरएफ लगवाए जी जी बिल्कुल 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 एक नंबर मुड़वाई। तो भाइयों बैलों के साथ में मतलब भैंसा भी बहुत जोर का रखा है हमारे प्रधान जी, उसके लिए फिरक होगी इनके पास में। और अभी जो है देखो सारे कृषि यंत्र मैंने आपको दिखा दिए, अब इनका पशुधन दिखाते हैं। हाँ, जो जो प्रधान जी का ना शौक आज तक रख रखा अपना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों इधर से जो है, तो भाइयों आज मैं प्रधान जी का आपको पशुधन और दिखाऊंगा। देखो आज के टाइम में भाइयों इतने पशु नहीं रखते, हर किसानों ने जो है सभी ने पशु बहुत कम कर दिए, तो मैं थोड़ी सी आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा पशुओं के लिए जो व्यवस्था कर रखी। तो प्रधान जी सबसे पहले इधर ही आ जाओ, जो खुंटे काटे आपने जी खोर के, ये किस तरीके से कटवाए थे जी? भैया जो इनमें बीम है नीचे अंदर जो। अच्छा अच्छा जी जी। हाँ तो भाइयों देखो खुंटे देखो, मतलब शौक जो है प्रधान जी का अलग ही चमकेंगे, बिल्कुल लकड़ी गड़ जाती है। हाँ। एक बारी पक्का कर ले जी काम। तो प्रधान जी जैसे आज के टाइम में पशु कम रख रहे बहुत जी, और आपके यहाँ मैंने देखे बहुत कम किसान ऐसे मिले हैं जिनके पास में इतने पशु हो जी, तो मतलब पशुओं से शुरू से ही लगाव है आपको? भाई लगाव है, मन नहीं करता देने को, मगर यूवी कटिया अच्छी। हाँ यूवी भैंस अच्छी। अच्छा अच्छा हमारी वो हो जाओ, बेचने को जी नहीं करता, बेचने को जी नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इधर देख लो ये शानदार इनका पशुधन बैठ, कितनी भैंस होगी जी अब लगभग? सात भैंस होगी है ना। ये देख लो भाइयों मैं दिखाना चाहूंगा आपको। और तो ये आपका घर का ही चल रहा है या बाहर से? कुछ हरियाणा की भी। कौन कौन सी नस्ल की है आपके पास में भैंसी? मुर्रा है ये जो 20 लीटर दूध दे भाई। अच्छा सामने जो ये भाइयों देखो मुर्रा भैंस है 20 लीटर है जी। 20 लीटर दे रहा है, अब तो बाकड़ी हो रही है। अच्छा अच्छा कितने पर की भी आई भाई? यो चौथे भी आई। अच्छा कितने की लाए थे प्रधान जी? मैं जब 153 की लाया था भाई। 153 की कहाँ से जी? हिसार से जी। और ये दूसरे वाले कटिया इसके नीचे आई थी। अच्छा कटिया इसके नीचे आई थी, बहुत बढ़िया। तो इसका भी दूध का सही होगा? हाँ 13-14 लीटर दूध दे रहा है। अच्छा प्रधान जी हमारे यहाँ पे क्या है यूपी में देखो नस्ल सुधार पे कोई काम नहीं करना चाहता जी। ना कोई नस्ल देखना चाहता पशुओं की, बिल्कुल बिल्कुल इस चीज पे फोकस नहीं है जैसा हरियाणा राजस्थान, मतलब ये पशुओं से कमाई खा रहे भैया वहाँ। एक तो सीमन बहुत अच्छे है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पर नहीं है। वहाँ बिल्डर है, सब सीमन तैयार कर रहे हैं, अच्छे सीमन है अपने यहाँ। मैंने कई बार गोलू गारू उनका लगवाया, बिल्कुल अब या तो सीमन रखा हुआ कामयाबी नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल, कई कई हजार रुपए रखे फिर जो अपने नॉर्मल झोटे से करवानी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये समस्या मजबूरी क्या करें, हम बहुत परेशान है। हम उतनी जितनी भाई खुराक हमें घनी अच्छी नस्ल की झोटिया भी क्या 2 लाख की, ये अपनी फिर वही 1,000 लाख के तो रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरफ तो देखो थोड़ा को जागरूक होना पड़ेगा किसानों को। हाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है एआई करवाए के कई बार। ये कौन सी नस्ल की? ये इसी की कटिया भी है मुर्रा में। अच्छा इसी के मुर्रा में। ये तो इसके साथ में ही आई होगी। हाँ बहुत अच्छी कटिया। हाँ जी 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 जी। ये देख लो भाइयों ये इसी के साथ में आई थी हिसार से ही। और तीसरी भैंस जो होगी इनके पास में, ये घर की थी? ये भैया हमारा घर का खंडा, हमारे बाबा जी के आगे का। अच्छा बाबा जी का आगे, बहुत अच्छा खंडा था ये भी। अच्छा अच्छा ये इनका मतलब इनका दूध कितना होगा जी? ये 14-15 लीटर दूध दिया जाएगा। अच्छा 14-15 लीटर। हाँ डाइट भी तो चाहिए उसके साथ में ना, खाना पीना अच्छा रहता होगा। बहुत अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल। ये देख लो भाई दूध से लगी क्या बने जी जी। इन्हें 15 लीटर दूध दिया दोबारे की ना, 6 दांत थी भाइयों। एक चीज और दिखा दूंगा आपको, भैंस जो है ऊपर से देख लो, खुआने पियाने की बात हो जी यानी भैंस यू अब के झज्जर से लाए थे। अच्छा झज्जर से जी। ये कितने के लाए थे जी? यू 154 में आई थी। 154 में। इसका क्या रिकॉर्ड है दूध? ये भैया बीमार हो गई थी, महाराज ने आरपानी पड़ी थी 2 महीने तो जी। इन्हें 14 लीटर दिया फिर, हालांकि हम लाए थे 18-19 लीटर की। 18-19 की। हाँ
जो कटियाज पिछले अच्छा ये वाली कटियाज हाँ तो ये भी आठ महीने की हुई है। आठ महीने की हुई बिल्कुल बिल्कुल अभी खोल दी जी जी। और भाइयों इधर हो गया देखो पशु भाइयों मवाना क्षेत्र में मैं तो कोई किसान होगा नहीं मेरे हिसाब से जिनके पास में इतने पशु अच्छे मक्का खा रही होंगी सारी। अच्छा मक्का का बिल्कुल बिल्कुल जी। और भाइयों ये देखो इधर जो है छोटे लवारों के लिए नीम के पेड़ में खोर बनवा रखी बढ़िया करके। तो वो झुटिया जी वो भी घर की सब घर की है भैया ऊपर लिए हाँ वो तो भी आने वाली आ जाए रिकॉर्ड हाँ। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। तो भाइयों ये इधर देखो प्रधान जी के पास में एक मशीन भी एंटिक है ये इन्होंने गरारी वाली ले ली थी। तो प्रधान जी इससे पहले जैसे शादी थी आपके पास मशीन है भैया बहुत परेशान रहते जी जी मवाना गए किले गए फोन गए भैया चकली टूट गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिर दो चार दिन में भैया चाल टूट गई। हाँ न्यार भी तो बहुत कटा है। हाँ जब से इसे लाए इसमें चाल चकली है नहीं गरारी है। अच्छा गरारी वाली जी। हाँ तो इसमें 100 रुपए का भी नुकसान नहीं तो मैंने बदलवाई क्यों घिस जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ और कोई इसमें मेंटेनेंस नहीं कैसा भी। अच्छा दंत वाले वेला को रखो गिलेंडर है। अच्छा गिलेंडर ही मार दो अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो इसे रोज ही लगाना पड़ता होगा तो बस दो टाइम की कुट्टी काटते हैं ठीक अब जाए मक्का की दो तीन दिन भी चल जाए ठीक ठीक। तो भाई ये देख लो हरा चारा पशुओं के लिए पूरी बुग्गी भर का आवा है जब इतने सारे पशु है ना। हाँ ये इधर अट्टा चक्की होगी इनकी पशुओं के लिए रत्ता पीसने के लिए और इधर हो गया छोटा जनरेटर घर के लिए ठीक है जी। और भाइयों इधर देख लो मैं पशुओं के लिए दिखा रहा देखो यहाँ पे भी साफ सफाई देख लो जेली पड़ी बिल्कुल और भूस में भी देख लो भाइयों शौक जो है वे अलग से दिखते हैं हर चीज में मिलेगा आपको। तो प्रधान जी लड़के तो यहाँ नहर पे मिल जाते होंगे तुम खूब जी खोड़े में लावे भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों आप देखो प्रधान जी की शानदार बैलों की जोड़ देखो नागौर की कितने सुंदर बछड़े है इनका बिल्कुल देखो एक तरफ व्यवस्था कर रखी और उसी के साथ में प्रधान जी ने शौक में ये भैंसा भी रख रखा एक बार कर दियो जी खरा। तो भाइयों गढ़गंगा जी के लिए तैयारी चल रही भैंसे की सस्ता रहा जी। तो ये प्रधान जी आपके लिए आए थे भैंसा जी कटड़ा घर का भी है। अच्छा घर का ही है जी घर के ही रखे हैं हम ज्यादा। अच्छा चार दांत है कितना जी चार दांत अब हुआ भैया चार दांत अब हुआ जी। तो रेस वेस पे लगा रखा ठीक ठाक बढ़िया जी जी भगते नहीं भाई हम की। अच्छा वैसे नहीं गंगा जी का ही हुआ गढ़ जागा जी आपका। हाँ अच्छा अच्छा ठीक। तो भाई एक और हो रहा बाद में दिखाऊंगा छुटका जो तुमने देखा नहीं। अच्छा अच्छा वो भी हो रहा ठीक ठीक। तो भाई देखो चार दांत भैंसा देखो कितनी बढ़िया तरीके से तैयारी कर रखी और झोटे बुग्गी के जो शौकीन भाई है वे देखते ही समझ जाएंगे पैर वैर देख लो बिल्कुल कितने सीधे और सिंगार देखो कितना सुंदर है भैंसे का ठीक है जी ये देख लो जी गजब। तो प्रधान जी इसकी भी गौर वोर पूरी चल रही जी गौर जबरदस्त भैया। हाँ बिल्कुल यू तो बिना गौर के तो रुकने का ही नहीं। अच्छा अच्छा फिर उठ जाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसके चिकने साल के साल ही चलो जाओ साल के साल चले जाओ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों ये देखो प्रधान जी के पास में ये साहिवाल साहिवाल की जी ना गिर की है गिर की। अच्छा गिर की दोगड़ी है गिर की दोगड़ी बिल्कुल बिल्कुल ये देख लो शानदार बछिया। तो देसी गोवंश पे और करो जी काम थोड़ा सा प्रधान जी है ना देसी पे है। हाँ जी हाँ जी आप क्या जाओ ना जी इनकी जो प्रणाली हाँ जी कभी हमारे नाना जी ने जी अच्छा अच्छा जैसे दे दें भाई हमारी मम्मी को जी जी। तो उसमें देसी थी देसी से जो वे करी थी जो जर्सी जर्सी थी। हाँ बिल्कुल फिर देसी पा रहे फिर देसी पा रहे जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो गायों में होना चाहिए जो गौ माता हमारी पुरानी होगी कितने साल की हो रही होगी जी 20 साल के लगभग। और अभी इसकी माँ का जन्म हुआ था। हाँ जी उसके बाद फिर हमने किरोसिन करवाई। अच्छा अच्छा और दूध अभी है दूध अभी है बैठ तो कॉल ले माता जी को बहुत बढ़िया जी। और भाइयों ये देखो हमारे प्रधान जी के बैलों की जोड़ देख लो जी। तो प्रधान जी अब कहीं लेके आए थे बछड़ों को जी ये बछड़ा भैया पिछले साल आया था। अच्छा पिछले साल आया था जी चार रात उससे एक साल पहले आया था जी जी। तो प्रधान जी एक बात बताओ जैसे आप बछड़ों का शौक है जी आपको तो घर में जैसे आप छोटा भाई भी हो गया पिताजी भी हो गए तो शौक तीनों को बराबर होगा जी है ना जी। देखो काम पशुओं का जब भी चला है जब सभी को वैसे इनकी केयर छोटा भाई करा है जो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल और गन्ने की जुताई भी सारी इसी ने करी है जी जी जी। चला मैं भी लू हूँ। हाँ जी जी पर मुझे वैसे और ज्यादा जो काम रहा है। हाँ बार भीतर के काम रहा है बिल्कुल पशुओं का ज्यादा यही करा है जो खेती उती में तो जुताई करा है। हाँ जी जी यू सारा सिस्टम इसका खेतों को हम देखो जाऊंगे बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देख लो ये तो आप कहीं लेके आए थे तो क्या कहता था जी बछड़ा अब ही जो कानी के तोड़े हैं ये पिछले साल आया था चार दांत। अच्छा अच्छा और यू उससे पहले साल आया था।
ये उससे पहले साल आया था। तो जैसा पहले से प्रधान जी खेती कर रहे, थोड़ा सा अपने किसान भाई को बताना चाहो, मतलब अलग है नहीं खेती का? बिल्कुल, अब हमने कल्टीवेटर काट गया। हाँ जी जी, और फिर दोहरे हल से जोत दिए। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा सा ही आंतरा बचा घास, खुदाई ना जी ना कर। हाँ बिल्कुल, खुदाई उदाई तो बिल्कुल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार फावड़ा लिकड़वाया था जो नौकरों से, जी जी, जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, जैसे आपने जुताई उताई मिट्टी उट्टी चढ़ा के कंप्लीट कर दिए, तब तो आप बैलों को घुमाई मई शुरू कर दोगे इनकी? बस कभी जो जब समय लगे करेगा, असो जाथरे चलेगा वैसे तो काम फिर जब घूम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तो गढ़गंगा जी के लिए तैयारी चलेगी जी इनकी? देखो परमात्मा ठीक ठाक रखेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देख लो, बहुत सुंदर जो है इनके ये बछड़े होके देख लो, ये देखो जी। तो जैसे प्रधान जी जुताई चला है जी, उस टाइम पे इनकी डाइट वगैरह क्या क्या रखो? डाइट जो बढ़ा दें, दाना भी कर दें स्टार्ट। अच्छा अच्छा, चिकनाई तो चली चले जी जी, ये तो गड़बड़ कराया जी थोड़ी। हाँ चिकनाई भी देनी पड़ा तेरे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो जब रोज चला है जुताई में तो। तो भाइयों ये देख लो, भैंसा भी दिखा दिया मैंने प्रधान जी का। तो प्रधान जी अगर कोई भैंसा को देख कर कहने लगा बिक्री के लिए है जी, है जी? दे देंगे जी, हमारे पे कटड़ा और हो रहा, एक कटड़ा और हमारे कटड़े का काम ज्यादा है नहीं, बस उतना ही है जो चारा लाने का जी जी। हाँ। तो प्रधान जी एक तो इसमें आप अपना नंबर बता दो जी। जी जो नंबर ले लो जी, जी 97-19 जी 37 अच्छा जी 54 जी 51। तो भाइयों देखो आगे गंगा जी का टाइम आ रहा है, हमारे शौकीन भाई फोन जरूर करेंगे तो इसकी वीडियो दे देंगे, इसमें अपने उसमें कर लियो वीडियो है इसकी। अच्छा अच्छा वीडियो है। तो भाइयों अगर किसी को भैंसा लेना हो तो प्रधान जी से संपर्क कर लियो, नंबर मैंने दे दिया। तो कोई डिमांड है जी? हाँ वो तो फोन पे कर लियो। तो भाइयों अब पीछे और दिखा दूं मैं एक बार आपको, यहाँ पे जो है देखो खुले में जो है बैलों की, बारिश की वजह से थोड़ा गिल्ला हो रहा, तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छी व्यवस्था बाहर की तरफ जो है इन्होंने यहाँ बना रखी है। ये प्रधान जी का सामना देख लो, ये मैटर रख रखा, ये 3 क्विंटल से ज्यादा का होगा जी भारी वाला जी। हाँ तो खेत को बराबर करता है जी? बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाइयों ये होगी इनके गन्ने डालने के लिए ट्रॉली। तो भाइयों कृषि यंत्र देखो आज कितने हो गए, वीडियो भी पूरी बड़ी होगी। हाँ जी, ये कहाँ की बनी भाई? ये संभलेड़े की। संभलेड़े की, तो ये टिपलर वाली जो है अपना गन्ने डालने के लिए, मवाना मिल में गन्ने जाते हैं। बिल्कुल। तो भाइयों ये देख लो, ये अपना ये खाद भरने वाला हो गया, ये भी बहुत किसान के काम आवे ये यंत्र भी। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी गोबर की खाद वगैरह भरनी हो, मिट्टी वगैरह भाई भाड़े नहीं छोड़ रखे हैं दोनों जो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जोड़ो कर लो। हाँ बिल्कुल। तो भाइयों प्रधान जी के सारे कृषि यंत्र पशुओं का ये ला दो भैया जी जी, अपना घर का कूड़ी का खाद, ये कूड़ी अपनी कूड़ी। हाँ बताओ जी, जब इतना गोबर गिरेगा जी तो खेती भी जी टॉप वाली ले देंगे। बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा बहुत गन्ने अच्छा। का कितना उत्पादन आप ले देंगे जी? अब 114 का आया था हमारा जो पौधा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छे पौधे थे। तो खाद वाद वैसा जो है फर्टिलाइजर तो बहुत कम लगाते होंगे आप? डाई कम ही लगाऊंगी। बिल्कुल, गोबर खूब भरते होंगे फसल चक्र में। अब मुंजी के बाद आलू होंगे, फिर आलू के बाद गन्ना होगा। जी जी जी। तो लागत आलू में भी अच्छी लगे, डाई वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कूड़ी का खाद हम जो अच्छा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी प्रोडक्ट भी जो अच्छे ही लगा है, वैसे नहीं लगाते जी जी। हाँ कंपनी। तो भाइयों देख लो गोबर की खाद का तो देखो कमाल अलग ही है, और बहुत अच्छा उत्पादन। 7 पीसे की जी, 5 की जी, 7.5 से। 7.5 से जी। तो भाइयों वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी, प्रधान जी से के विचार भी अच्छे लगेंगे, तो कमेंट करना बताना। नमस्कार। ये देखो जी एक बार थोड़ा सा चलवा के दिखाऊंगा आपको, देख लो जी। देख लो भाइयों, ये तो आगे आगे जा रहे जी हैं। हाँ आ जाओ पीछे ले आओ, आगे पीछे ले। मैं घास पड़ी है यार, ये देख रहे जी। अच्छा बहुत बढ़िया जी, बाजी बस बस। आपका चला जी बढ़िया। हाँ अच्छे चले। हाँ ले आओ जी ले आओ। भाइयों दूसरे बछड़े को दिखा रहे हैं आपको, देखो बैलून। बड़ी स्पीड से यार, ये देखो भाइयों गजब। बाबा ले आओ ले आओ ले आओ। आज गिल्ला हो रहा ना अभी।
गजब बढ़िया जी। ये देखो भाई ये करडा रह गया था, ये कितने दिन का आज पता है? ये 17 महीने का भी है। 17 महीने का बहुत बढ़िया जी भाई, 17-18 महीने का करडा है प्रधान जी का। और देखो बिल्कुल फुल तैयार है, नाथ वाथ फुड़वा के अभी बुग्गी में चला है नहीं जी, एक दिन जुड़ा अभी एक दिन जुड़ा जी। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया जी, एक दिन।